रविवार को 3 दिवसीय भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला व महानगर के प्रशिक्षण वर्ग शिविर के प्रथम सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करके आजाद चौक स्थित एक निजी स्कूल में जिला प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग किया गया है। इन 3 दिनों में 15 सत्रों में अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस प्रशिक्षण में जिला पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें भाग लेना होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिन विषयों पर काम करती है, उन विषयों की जानकारी कार्यकर्ताओं के जहन में रहे, ताकि प्रतिस्पर्धा के साथ कार्यकर्ता काम करेंगे। वहीं गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर संजयन त्रिपाठी ने कहा कि इस प्रशिक्षण में प्रदेश भर के कार्यकर्ता से अवगत कराना और उन नीतियों के साथ उनको जोड़ करके अपने मंडलों में जाकर जन जन तक भाजपा की नीतियों को पहुंचाएं, यही प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य है। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, शशिकांत, राहुल श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, वीरेंद्र शाही, अनुपमा पांडे, रानी मिश्रा, सुरेंद्र चौबे, रमेश प्रताप गुप्ता, रणविजय सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, अमिता गुप्ता, पद्मा गुप्ता सहित भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर संजयन त्रिपाठी एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, संगठन है जो विचारधारा के आधार पर काम करता है।
जिसने एक मिशन लिया, लक्ष्य लिया। और इसलिए जब हम प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे प्रशिक्षण वर्ग में आने वाले हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता लंबे समय से 20 साल 30 साल 40 साल से इस विचारधारा में काम करते हैं और उनको लगता है कि प्रशिक्षण क्या है। मैं तो सब कुछ जानता हूँ। आज के इस महानगर प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जो प्रदेश भर के देश भर के कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को जो भाजपा की रीतियाँ हैं, जो उनकी नीतियाँ हैं, उनसे अवगत कराना, उनसे उनका परिचय कराना और उन नीतियों के साथ उनको जोड़ करके इस तरह से तैयार करना कि फिर वो अपने मंडलों में और अपने क्षेत्रों में जाएं और जन जन तक भाजपा की नीतियों को पहुंचा सकें, ये इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य है। आज यहाँ इस विद्यालय में महानगर का, गोरखपुर महानगर का प्रशिक्षण वर्ग लगा हुआ है जिसमें पहले सत्र में उद्घाटन क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी ने किया है और अपने एक डेढ़ घंटे के उद्बोधन में संघ की स्थापना से लेकर, भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से होते हुए और जो भाजपा की विचारधारा, उस विचारधारा को कैसे सन 2022 तक पहुंचाया गया है, भाजपा की जो उपलब्धियां रही हैं, जो भाजपा के कार्य रहे हैं, उन सब को आम कार्यकर्ताओं तक पहुँचाना और उससे पुष्ट करके उनको इस तरह से तैयार करना कि वो जा करके क्षेत्र में आम जन तक भाजपा की बात को पहुँचा सकें। कितने दिनों तक ये 3 दिनों का शिविर है। आज इसका पहला दिन है, पहला सत्र था, अभी उद्घाटन का सत्र था, अभी भोजन उपरांत फिर अगला सत्र होगा। पहले दिन 5 सत्र हैं, दूसरे दिन 7 सत्र हैं और अंतिम दिन 3 सत्र हैं, फिर भोजन के अवकाश के बाद फिर यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए गए हैं जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग हैं। सभी प्रशिक्षण वर्गों में 3 दिनों में 15 सत्रों में अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। सभी जिले के जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं और इससे ऊपर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को इन प्रशिक्षण वर्गों में भाग लेना होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के जो काम हैं, आगे के जो एजेंडे हैं, इन सब विषयों पर इंटरनल चर्चाएं होती हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्गों को रखा गया है। आज मैं गोरखपुर महानगर के इसी प्रकार के एक प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिन मूल्यों और आदर्शों को लेकर के काम करती है उन विषयों को बार बार कार्यकर्ताओं के जहन में रहे और सारी चीज़ें एक पुष्ट हो ताकि हमारी विचारधारा जितनी ही पुष्ट होगी उतने ही प्रतिबद्धता के साथ कार्यकर्ता काम करेंगे और इसलिए बार बार इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाते हैं।